नलाज कानी लोग की न वेद को कयो करे न शंका भूत प्रेत की न देव यक्ष से डरे सुने न काहो और की द्रसे न और इच्छना कहे न कछु और बात ये भक्ति प्रेम लक्षणा। बहुत पुरानी कहावत है कि मन अगर कोई से भी मिली जाए तो जिससे मन मिली जाए वो जैसा कराती है या वो जैसा कहता है वैसा ही करना पड़ता है। और हम बातों में कह देते हैं जैसे किसी को कोई बिगड़ी हुई औरत पल्ले बन जाए तो हम दुखी होकर के कहते हैं कि यार क्या करें, वो तो अब जन्म से पल्ले बंदी है, अब उसको छोड़ भी नहीं सकते, वो जैसा कहती है वैसा ही करना पड़ता है। ठीक यहां पर सद्गुरु कबीर कहते हैं कि भक्ति जो कि स्त्री सूचक शब्द है उसको बिगड़ी कहा। ये बिगड़ेल है क्योंकि ये जिसके लग जाती है, जिसको लग जाती है फिर उसका साथ नहीं छोड़ती, और जो भक्ति करवाती है वही मनुष्य को करना पड़ता है। तो सदगुरु कबीर किस तरह से ये भाव व्यक्त कर रहे हैं आइए। सद्गुरु कबीर कहते हैं कि मैं करूं तो करूं क्या, जन्म से ही ये बिगड़ी हुई भक्ति रूपी स्त्री मेरे पल्ले पड़ गई है। जैसे कि भक्ति को जो भी कोई इंसान धारण करता है वह उसी की हो जाती है, और इसीलिए सद्गुरु कबीर ने उसे बिगड़ेल कहा। क्या कहा? पल्ले पड़ी हो राम पल्ले पड़ी या तो जन्म की बिगड़ी मारा पल्ले पड़ी या तो जन्म की बिगड़ी मारा पल्ले पड़ी। कसी भी मारे कुदाली भी मारे, 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 पणे तकवा को लेके नीनाण ने चली वो मारे जन्म की बिगड़ी मारा पल्ले पड़ी या तो जन्म की बिगड़ी मारे पल्ले पड़ी। सदगुरु कबीर कहते हैं मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं कर्मकांड भी जानता हूँ, उपासना कांड भी जानता हूँ, वेद का पठन पाठन पूजा पाठ नियम व्रत उपवास ये सब कुछ जानता हूं, लेकिन इनसे केवल और केवल मल और विक्षेप का दोष खत्म हो सकता है पर मेरे अंतकरण का दोष खत्म नहीं होगा। और मुझे तो भीतर की बीमारियां मिटानी है, बाहर से मैं कैसा भी रहूं बाहर का दिखावा मुझे नहीं करना है, मुझे तो मेरा अंतकरण साफ और झकाझक करना है। इसलिए मैंने सत्य रूपी विचारों के साधन को लेकर के अपने मन रूपी अपने अंतकरण रूपी जमीन को जहाँ पर द्वेषता है निंदा है छल है कपट है बेमानी है उन सब की निंदाई करने के लिए मैं तत्पर और तैयार हुआ हूँ। मेरे पास हाथी यानी रजोगुण भी है, घोड़ा यानी तमोगुण भी है, पर मैं गधा रूपी सतोगुणी ज्ञान को धारण करके और मोक्ष रूपी बारात में चलने के लिए तैयार हो गया हूँ।
किस तरह से कहते हैं साहब? हाथी भी मारे घोड़ा भी मारे, 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 बने गदा पे बैठ के बारात में चली वो मारे जन्म की बिगड़ी मारे पल्ले पड़ी, या तो जन्म की बिगड़ी मारे पल्ले पड़ी, हाथी यानी सज-धज करके जो रहता है वो रजोगुणी, घोड़ा जो उछल कूद करता है वश में नहीं आता वो तमोगुणी, और गधा जो शांत स्वभाव का होने की वजह से उसे सतोगुणी माना गया है, इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि मैंने उसको धारण किया है। मैं शाल यानी नौधा भक्ति को भी जानता हूँ और दुशाला यानी प्रेम लक्षणा भक्ति को भी जानता हूँ, परंतु इन दोनों को छोड़कर मैंने तो कंबल रूपी पराभक्ति को ही अब ग्रहण कर लिया है और इस संसार रूपी प्रपंच से बाहर निकलकर अब मैं खड़ा हो गया हूँ और ये कह रहा हूँ कि ना काहू से दोस्ती और ना काहू से बैर। साहब फरमाते हैं, बोले शाल भी मारे दुशाला भी मारे, 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 पड़े कंबल ओढ़ के मैं बाहर खड़ी वो मारे जन्म की बिगड़ी मारा पल्ले पड़ी, या तो जन्म की बिगड़ी मारे पल्ले पड़ी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इन सब बातों से मेरा केवल एक ही मतलब है, मैं इस पंच भौतिक शरीर से बाहर की बात कर रहा हूं, जहां ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, ना सुख है ना दुख है, ना अमीर है ना गरीब है, ना छोटा है ना बड़ा है, जहां मत पंथ धर्म या संप्रदाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं इन सबसे ऊपर उठ करके केवल और केवल अपनी आत्म साक्षात्कार की बात कर रहा हूं, और ये मैं नहीं वरन मेरी सुरती यानी आत्माकार वृत्ति ही ऐसा कह रही है। इसलिए अंत में साहब ने कहा कहते कबीर सा सुनो भाई साधो, 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 या सुरता पुकारे तने खड़ी रे खड़ी, या तो जन्म की बिगड़ी मारा पल्ले पड़ी, या तो जन्म की बिगड़ी मारा पल्ले पड़ी, वो पल्ले पड़ी हो राम पल्ले पड़ी, या तो जन्म की बिगड़ी मारा पल्ले पड़ी, या तो जन्म
बिगड़ी मारा पल्ले पड़ी, या तो जन्म की बिगड़ी मारा पल्ले पड़ी, या तो जन्म की बिगड़ी मारा पल्ले।